हेलो स्टूडेंट आज हम लोग क्लास टेंथ का मैथ चैप्टर फाइव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज और तो हम लोग उसका सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आपको इन सब का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा या तो आप प्ले में जाइए आपको चैप्टर वाइज सब का सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर टू इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है

फॉर्म एंड एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट देयर मोर टर्म्स थ्री मोर टर्म्स देखिए हम लोग को इसमें भी क्या है फाइंड करना है थ्री मोर टर्म्स फाइंड करने कह रहा है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है अगर ये ए पी में है तो इसका हम लोग क्या करना है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और तीन और क्या करना है थ्री टर्म्स और फाइंड करना है जैसे यहाँ पे फोर टर्म्स तो पहले से और तीन टर्म्स फाइंड करके लिखना है ये था हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब एक नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब चलिए आप देख सकते हैं इसको सबको आप बना बना सकते हैं अब चलिए हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं पहला है सिक्स नंबर फर्स्ट है सिक्स नंबर क्या है चेक वेदर माइनस वन इज अ टर्म ऑफ द ए पी इलेवन एट फाइव हम लोग से पूछ रहा है ये हम लोग का एक टर्म है इलेवन एट फाइव टू हम लोग का एक ए है उसमें पूछ रहा है कि हम लोग का माइनस वन फिफ्टी आता है या नहीं ये हम लोग चेक करके बताना है ठीक है ये हम लोग को बताना है फाइंड द आप देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर फाइंड द टर्म ऑफ एन हुज टर्म इज एंड द टर्म सेवेंटी थ्री देखिए हम लोग को थर्टी फर्स्ट टर्म फाइंड करने के आ रहा है जब हम लोग को इलेवन टर्म थर्टी एट दिया और सिक्सटीन टर्म कितना दिया है थर्टी सेवन तो हम लोग को थर्टी फर्स्ट

If 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference. देखिए क्या कह रहा है जो हम लोग का 17th टर्म है वो क्या है 10th टर्म से 7 ज्यादा है 10th टर्म से कितना ज्यादा 7 ज्यादा है तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है अब चलिए हम लोग का देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन भी इंपॉर्टेंट है हाँ मैंने थ्री डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय सेवन देखिए क्या कह रहा है तीन डिजिट्स के कितने ऐसे नंबर है जो किससे डिविजिबल है सेवन से वो हम लोग को बताना है अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टीन भी हम लोग का इंपॉर्टेंट है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म्स ऑफ एन ए पी इज ट्वेंटी फोर देखिए फोर्थ और एट टर्म टर्म का सम का एपी सॉरी जो फोर्थ टर्म और एट टर्म है उसका सम कितना है ट्वेंटी फोर है याद रखिएगा फोर्थ टर्म और एट टर्म के ए पी का सम कितना हम है हम लोग का ट्वेंटी फोर है एंड द सम ऑफ दिक्स एंड टेंथ टर्म इज फोर्टी फोर और हम लोग का सिक्स टर्म और टेंथ टर्म का सम कितना है फोर्टी फोर है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द ए पी तो हम लोग को उस ए पी का तीन टर्म फाइंड करने कह रहा है फिर समझिए फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम का सम है ना वो कितना दिया गया ट्वेंटी फोर फोर्थ और एट टर्म का सम कितना दिया है ट्वेंटी फोर फिर क्या कह रहा है आगे टेन टर्म का सम कितना देगा फोर्टी फोर तो हम लोग को फर्स्ट थ्री टर्म क्या करना है फाइंड करना है आप चलिए देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 5.2 में इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे सिक्स सेवन एट टेन थर्टीन एटीन यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप चलिए हम लोग देखते हैं फाइव में क्या है देखिए क्वेश्चन फाइव पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर टू फाइंड गिवन बिलो इसका सम हम लोग फाइंड करना है सबसे पहले आप इसको आप तो पढ़ ही लीजिए आपसे पूछा जा सकता है फिर आपसे क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें आपको क्या इन एन एपी हम लोग एपी फाइंड करना देखिए एपी हम लोग का इन एन ए पी जिसमें ए हम लोग को दिया है डी दिया है ए एन दिया फाइंड क्या करना है एन और एस एन फाइंड करना है फिर गिवेन हम लोग को क्या दिया गया है ए थ्री दे दिया गया फिफ्टीन एस टेन दे दिया गया कितना वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो फाइंड डी एंड ए टेन फाइंड करना है तो आप इस तरीके से हम लोग को इस इस आप क्वेश्चन नंबर थ्री का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए बुक में मैंने कुछ ही लिखे अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो और भी अच्छी बात है आपसे क्योंकि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में इसमें गिवन दिया रहेगा आपको और जो फाइंड करना रहेगा वो आपको पूछा जाएगा ए दिया यहाँ पे ए दिया डी दिया एस एन दिया है। तो हम लोग को एन और ए फाइंड करना है इसमें ए एन दिया डी फो टू दिया एस एस एन कितना दिया माइनस फोर्टीन दिया है तो एन एन फाइंड करना है और ए फाइंड करना है फिर हम लोग को गिवन दिया है एल यानी कि लास्ट टर्म ए एन जिससे आप कह सकते हैं ट्वेंटी एट दिया एस एन वन फोर्टी फोर दिया है एंड देयर आर टोटल नाइन टर्म्स में टोटल तो तो नाइन टर्म्स है तो ए हम लोग क्या करना है फाइंड करना है जिस तरीके से हम लोग को फाइंड करना है टेन नंबर हम लोग को यहाँ पे दिया है सो दैट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन फॉर्म एन ए पी वी एन ए एन इज डिफाइंड एस बी लो हम लोग को इसे डिफाइन करना है तो चलिए हम लोग इसको कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन इसमें टू थ्री टेन और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का इलेवन भी इम्पोर्टेंट है क्या है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन ए पी इज फोर एन माइनस एन स्क्वायर देखिए फर्स्ट एन टर्म का सम कितना दिया हम लोग का ए पी का इतना दिया गया फिर क्या अगर वाट इज द फर्स्ट टर्म तो हम लोग से फर्स्ट टर्म क्या होगा ट इज दर्स्ट टू टर्म तो फिर क्या कर तो रहा है फर्स्ट टू टर्म का सम कितना होगा वो हम लोग को बताना है फिर ट्वेल्थ नंबर में क्या कर रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फोर्टी पॉजिटिव इंटीजियर डिविजल बाई सिक्स हम लोग को क्या बताना है फर्स्ट फोर्टी फोर्टी पॉजिटिव इंटीज बताना है उनका सम बताना है जो सिक्स से क्या है डिविजिबल है फर्स्ट पॉजिटिव फोर्टी इंटीजर्स है उसका हम लोग क्या बताना है उसमें बताना है कि कितने ऐसे नंबर है है जो क्या किससे डिविजिबल है सिक्स से तो उनका क्या करना है सम फाइंड करना है अब यहां पे देखते हैं फिर से आपको मैं समझा देता क्या कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फोर्टी पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय हम डिविजल को सम फाइंड करना है किनका फर्स्ट फोर्टी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो क्या है डिविजिबल है किससे सिक्स से अब आगे क्या कह रहा हैं क्वेश्चन ऑफ एट ऑफ फिफ्टीन मल्टीपल ऑफ एट ना हम लोग को फर्स्ट फिफ्टीन क्या बताना है मल्टीपल बताना है सॉरी हम लोग को फर्स्ट फिफ्टीन मल्टीपल बताना है उनका सम बताना है जो किससे सॉरी किसका मल्टीपल एट का ध्यान समझिए इसमें ना क्वेश्चन थोड़ा घुमाया रहता है हम लोग को फर्स्ट फिफ्टीन मल्टीपल बताना है जो क्या है एट से मल्टीपल है और उनका सम हम लोग को फाइंड करना है आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता तो एक बार हम लोग को फर्स्ट फिफ्टीन वो बताना है जो क्या है फिफ्टीन नंबर बताना है फर्स्ट हम लोग को फिफ्टीन वो नंबर बताना है जो क्या है एट का मल्टीपल है और उनका हम लोग को सम फाइंड करना है उन्हीं नंबर का हम लोग क्या करना है सम फाइंड करना है जैसे मान लीजिए एट से मल्टीपल क्या क्या होता है एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर इस तरीके से फिफ्टीन होंगे वो नंबर कितने होंगे फिफ्टीन होंगे और उनका हम लोग को सम क्या करना फाइंड करके बताना है ये कह रहा है क्वेश्चन में फिर क्या अगर फाइंड द सम ऑफ द ओल्ड नंबर बिटवीन जीरो एंड फिफ फिफ्टी देखिए जीरो से फिफ्टी के बीच में जितने भी ओल्ड नंबर है उनका हम लोग को सम फाइंड करना है समझ में आ गया अब आगे क्या करा है क्वेश्चन नंबर एटीन स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल देखिए आपने एक स्पायरल देखा होगा उसमें क्या होता है सेमी सर्कल्स होते हैं विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी उसका जो सेंटर अल्टरनेटली ए और बी स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियस जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर फिर क्या कह रहा है देखिए हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग सेंटर क्या ए ले? लेना है फिर क्या कह रहा है जिसका आपके रेडिया है मतलब रेडियस का प्लूरल होता है ना रेडिया है। यहाँ पे क्या 0.5 फिर क्या है 1.0 1.5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर व्हाट इज द टोटल ये होता है फिगर ना स्पाइरल का लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल देखिए कह रहा है अगर इसमें 13 क्या है सेमी सर्कल है स्पाइरल में 13 सेमी सर्कल है तो हम सेमी सर्कल है तो हम लोग से पूछ रहा है स्पाइरल का लेंथ क्या होगा वो हम लोग को बताना है और यहाँ पे दिया गया है कि पाई इक्वल टू ट्वेंटी टू बाई सेवन हम लोग का यूज़ करना है आपको अगर एग्जाम में यहाँ पे पाई के प्लेस में वन पॉइंट सॉरी थ्री पॉइंट वन फोर अगर दिया हो तो आप उसी का यूज़ करेंगे तो आपका जल्दी सॉल्व भी होगा वरना आपसे जल्दी सॉल्व नहीं होगा इसलिए आपको एग्जाम में देख के चलना है अगर आपको पाई का वैल्यू जो आपको बोला जाए उसी को आप पुट करके देखेंगे अगर नहीं बोला जाए तो आप किसी को भी पुट कर सकते हैं लेकिन आपको बोल दिया जाए तो आप उसी को पुट करिएगा यहाँ पे पाई इक्वल टू ट्वेंटी टू बाई सेवन बोल रहा है कहीं कहीं पाई इक्वल टू क्या होता है थ्री पॉइंट वन फोर होता है इसका वैल्यू उसको भी पुट करता है तो आपको जरूर देखें एग्जाम में कि क्वेश्चन में क्या दिया गया अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्या कह रहा है टू हंड्रेड लॉक्स आर स्टार्ट इन द फॉलोइंग मैनर ट्वेंटी लॉक्स इन द बॉटम रो नाइनटीन इन द नेक्स्ट रो एटीन इन द रो नेक्स्ट टू एट एंड सो ऑन इन हाउ मेनी रो द टू हंड्रेड लोक्स प्लेस एंड हाउ मेनी लोक्स आर इन द टॉप रो तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे समझेंगे तो चलिए ध्यान से हम लोग देखेंगे हम लोग से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लास्ट ये जो लोग है हम लोग ना लकड़ी का रहता है लोग आपने देखा होगा तो ये कितना टोटल कितना है टू हंड्रेड है अब इसमें क्या रहा है जो हम लोग का स्टे हम लोग का फर्स्ट ये वाला रो है इसमें कितने लोग हैं हम लोग का जो स्टैक बन रहा है हम लोग का कितना है ट्वेंटी है फिर उसके सेकेंड वाले में कितना है हम लोग का नाइनटीन है फिर इसके ऊपर में कितना एटीन है तो हम लोग से पूछ रहे इस तरीके से जो हम लोग का स्टैक बनते जा रहा है तो हम लोग का तो कितने स्टैक बनेंगे और सबसे लास्ट वाले में सबसे लास्ट वाले में सबसे लास्ट वाले में कितने हम लोग का ये लोग आएंगे कितने लोग आएंगे हम लोग को वही बताना है इस क्वेश्चन में अगर आपको नहीं समझ समझें तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ हम लोग का टोटल लोग कितने टू हंड्रेड है फर्स्ट में हम लोग का कितना है ट्वेंटी रखा है फिर उसके ऊपर कितने लोग रखे गए नाइनटीन फिर उसके ऊपर कितने लोग रखे गए हैं हम लोग का एट्टीन रखा गया ऐसे इसके ऊपर कितना होगा सेवनटीन फिर कितना होगा सिक्सटीन तो हम लोग को ऐसे कर करते करते जाना है तो हम उनसे पूछे जो स्टैक बनेंगे ये वाला ना ये कितने बनेंगे और सबसे ऊपर में कितने लोग होंगे हम लोग कितने लोग होंगे ये पूछ रहा है हम लोग क्वेश्चन में तो हम लोग को ये बताना है अब चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज फाइव मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस थ्री मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन देयर टेन पोटैटोज इन द लाइन देखिए मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ छोटा सा फिगर बना रहा हूँ मैं आपको यहीं समझा दे रहा हूँ छोटा सा फिगर बना रही है हम लोग का क्या है बकेट है मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट में कितना फाइव सेंटीमीटर पे एक पोटैटो रखा है फाइव सेंटीमीटर पे ठीक है उसके बाद थ्री थ्री सेंटीमीटर में फिर थ्री थ्री सेंटीमीटर में थ्री थ्री सेंटीमीटर में ठीक है कितना थ्री थ्री सेंटीमीटर में है कितना टेन है ना? तो, फोर, सेवन, एट नाइन टेन तो वही बोल रहा है फर्स्ट एक पटेटो रेस में क्या एक बकेट है जो एक पटेटो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट वो कितना डिस्टेंस की दूरी में फाइव सेंटीमीटर की उसके बाद थ्री थ्री सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया इस तरीके से बोल रहा है अब हम लोग से कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में ना अ अंपिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटेटो रन बैक विद इट ड्रॉप्स

रन टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑन द पटेटोज आर इन द बकेट वट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपिटीटर हैज टू रन हम लोग से पूछ रहा है देखिए क्या करेगा जो कंपिटिटर है हम लोग का एक बार इसको एक बार यहाँ से इसको उठाया फाइव मीटर वाला को फाइव सेंटीमीटर वालों को वापस आया इस बकेट में रखा फिर और दौड़ते जाएगा सेकेंड को उठाने के लिए उठाएगा फिर वापस आएगा यहाँ पे रखेगा फिर यहाँ से थर्ड पर्टेटो को उठाने के लिए दौड़ के जाएगा फिर उसको उठाएगा फिर आके वापस बकेट में रखेगा फिर ऐसे करते करते वो सबको क्या करेगा उठा के उठाएगा उठाने के लिए जाएगा फिर वापस आएगा उठाने के लिए जाएगा फिर वापस आएगा और बकेट में रखते जाएगा तो हम लोग से पूछ रहा है जो कंप्यूटर कंप्यूटर है वो टोटल कितना डिस्टेंस हम लोग का मतलब कि रन करेगा कितना डिस्टेंस वो दौड़ेगा हम लोग को ये बताना है तो फर्स्ट में कितना होगा देखिए फाइव सेंटीमीटर का एपी कैसे बनेगा देखिए फर्स्ट में फाइव सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ गया फाइव वापिस आया फाइव कितना हो गया टेन सेंटीमीटर कितना हो गया टेन सेंटीमीटर एपी बता दे रहा हूँ मैं इसका टेन सेंटीमीटर फिर देखिए यहाँ से यहाँ गया देखिए यहाँ से यहाँ फाइव था फाइव और तीन सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ गया तो एट सेंटीमीटर हुआ यानी कि यहाँ से यहाँ गया एट सेंटीमीटर और वापस आया कितना एट सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सिक्सटीन फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे एट था यहाँ से और थ्री सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तो कितना इलेवन तो यहाँ से यहाँ कितना गया इलेवन सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ कितना है वापिस आने में भी इलेवन कितना हो गया ट्वेंटी टू सेंटीमीटर इस तरीके से एपी बनेगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू